बताओ मैं क्या लेके आया हूँ। पता नहीं, सोचो दाल और नमकीन, दाल मोठ और क्या, वो क्या कहते हैं उसे, भेलपूरी, बिस्किट और क्या, नारियल और क्या लेकर आया हो तो पता नहीं मुझे, बताओ क्या लेकर आया हो। मैं लेकर आया हूँ। ओफो, तुम इतनी मोहब्बत करते हो मेरे से, तुम्हें पता है कि अम्मी का दिल कर रहा था मूंगफली खाने का है। गुड बॉय। शोर जी को भी पता है कि मैं मूंगफली बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ, और मेरे बच्चों को भी पता है कि मूंगफली मैं शौक से खाती हूँ। और सच बताऊँ, ये क्या कहते हैं, अभी सर्दियाँ आई नहीं है, फर्स्ट टाइम आई है हमारे घर में मूंगफली। वैसे फर्स्ट टाइम तो नहीं आई, लेकर आए थे शोर जी, हाँ लेकर आए थे, लेकिन मैंने शूट नहीं करा था, वो शूट करने की नौबत ही नहीं आई, हम लोगों ने ऐसे ही खा ली, क्योंकि मूंगफली देख के तो मेरे से रहा नहीं गया, और व्लॉग बनाने का मेरा मूड नहीं था बिल्कुल भी। तो चलो इंजॉय करते हैं हम लोग मूंगफली। तो सर्दियों में तो यकीन मानना डेली आती है हमारे घर में मूंगफली, डेली और डेली खाते हैं, और मज़ा ही आ जाता है मूंगफली खाने में, ऐसा लगता है बादाम खा लिए। और लाइबा तो ऐसी लग रही है कट्टो गलेरी खा रही है मूंगफली। तुम्हारा सलाम बहुत प्यारा लगता है मुझे, एक बार और करना। अस्सलाम अल्लाह, जो होता ना मस्जिद में मौलाना वाला सुर पकड़ रखा सलाम करने का, तो माशाल्लाह। और टोपी तो उतरती नहीं है अम्मा फेस की हमारे। अब हम मूंगफली खाए नहीं, गैस उनके पास। अच्छा, तो यो अच्छा जो गरम करके जो देते हैं। और गाइस बाहर जाओ आप लोग तो सिंगाड़े मिल रहे हैं, और लिहाज दिख रहा है, कंबल दिख रहे हैं, लेकिन सर्दियां तो दूर से दूर तक भी नहीं दिख रही है। मूंगफली, हाँ अल्लाह। रात में हमने खाई बड़े मज़ेदार सी मूँगफलियाँ, और बस अब जो ये है नेक्स्ट डे है, और बस टाइम, वाकई जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना, वहाँ पर टाइम कहाँ चले जाता पता नहीं चलता, काम ही काम में, तो इतनी ज़्यादा बस लाइफ बिजी हो गई है, इतनी लाइफ बिजी में अपने पे बिल्कुल भी मैं ध्यान नहीं कर पाती। और आज मैंने सोचा जो मुझे नॉलेज है वो मैं आप लोगों को भी दूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि पार्लर जा ही नहीं पाती है, तो घर में ही रहकर छोटे मोटे अगर नुस्खे भी हम करें तो उससे भी हम लोगों को पता बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जो अंग्रेज़ लोग होते हैं ना, ये जो होते हैं ना आर्टिफिशियल चीज़ें जो होती हैं वैसी बनी हुई होती हैं वो पसंद नहीं करते, ऐसी जो देसी चीज़ होती है ना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग इतना वो नहीं करते, जबकि ये हमारे ही हिंदुस्तान की चीज़ें हैं, हमने छोड़ रखी है उन लोगों ने अपना रखी है, तो लेकिन खैर मैंने तो नहीं छोड़ रखी। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं कैसा फेस पैक बनाती हूँ, बड़ा अच्छा सा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। और जी फेस पैक बनाने के लिए जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें हमारे घर में ही, हमारे किचन में ही होंगी, और आपके घर में भी बेशक होंगी, ज़रूर होंगी, तो उन्हीं चीज़ों को लेकर हम बनाते हैं बढ़िया सा अच्छा सा फेस पैक। और जी चलो चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले एक मैं एडवाइस देना चाहूँगी, ये देखो ये क्या चीज़ है, ये अरे गिर गई, ये रही, ये देखो आपने पहचानी क्या चीज़ है, मिस्त्री नहीं है ये, है फिटकरी, इसे कहते हैं फिटकरी, और ये इतनी ज़्यादा लाभदायक है कि ये समझो मेरे हिसाब से, जैसा हम किचन में सारे सामान रखते हैं तो मेरे हिसाब से ये चीज़ भी फिटकरी भी हमें रखनी चाहिए, अगर कुछ कट लग जाए हाथ में या फेस पे, और फेस पैक में भी ये मिलाया जाता है थोड़ा सा बिल्कुल, तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये। और थोड़ी आ रही है बाहर से आवाज़, तो इस चीज़ को हम करेंगे इग्नोर जहाँ तक हो सकेगा हमसे। तो सबसे पहले ये वाली अलग कटोरी ले लूँगी मैं, सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी, फेस पैक के लिए सबसे जो बेस्ट है वो है हल्दी फिटकरी। सबसे पहले लेंगे हम हल्दी, सिर्फ एक फेस पैक बनाऊंगी सिर्फ मैं अपना, तो मैं एक ही बार का ही बनाऊंगी,
अगर आपको बनाना है जैसे दो चार बार का तो आप वो भी बना के रख सकते हैं। और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं कोई सा भी फेस वॉश हो आपके पास में, आप ले सकते हो कोई सी भी कंपनी का हो, इसमें कोई इशू नहीं है कि एक ही कंपनी हो, कोई सा भी कंपनी का हो। तो ये देखो ये ले लिया एक चम्मच के करीब मैंने फेस वॉश, और इसको भी कर देंगे हम ऐड। और इसके अंदर जो फेस वॉश है इसके अंदर एलोवेरा भी है तो वो मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं कोलगेट रेड वाला, और थोड़ी सी लूँगी मैं फिट करी। और ये देखो ये इतने लिए मैंने फिट करी, छोटे छोटे तीन टुकड़े हैं ये, यही बहुत रहेगी। और ये फिट करी को मैं हल्का सा इसको बिल्कुल महीन महीन पीस लूँगी, मैं बिल्कुल महीन, जितना महीन हो सके उतना महीन में पीस लेंगे। तो ये देखो इसमें कितनी शाइनिंग होती है, ये भी इसमें हम मिला देंगे, ये समझो एक तरह से जादू है। और ये फिट करी ना इसको गर्म पानी करके फिट करी डाल के कुल्ली करेंगे, दांत का जितना भी दर्द है, दाढ़ का दर्द है वो भी चला जाएगा, और फिट करी से दांतों में चमक भी आएगी बहुत, मतलब बहुत। आपको भी आप अपने बड़े बूढ़ों से पूछेंगे ना तो फिट करी बहुत ज़्यादा ऐसा बताएंगे कि हाँ पहले के लोग बहुत ज़्यादा ऐड करते थे हर चीज़ में, अब तो ये चीज़ें खैर फिट करी मेरे ख्याल से बहुत लोग शायद जानते भी ना हो, लेकिन परचून की दुकान पे जाएंगे जनरल स्टोर पे तो फिट करी मिल जाती है, कोई ये नहीं कि परेशान की मिल रही है। और इसको खूब अच्छा सा बना लेंगे इसका हम पेस्ट, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे हम, अगर आपके पास में हो तो आप शहद डाल सकते हो, पानी तो बिल्कुल भी मत डालना जैसे कहते हैं। और हल्दी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है अगर हम दूध में डाल के खा पी लें, और चेहरे के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और मैं तो खैर आप लोगों से कह रही हूँ ध्यान करो, मैं तो सच बताऊँ मैं खुद अपनी स्किन पे ध्यान नहीं करती। ये देखो यहाँ पर कितने ही सारे ये डार्क सर्कल मेरे बहुत ज़्यादा, और जब मैं वहाँ पर रहती थी पहले वाले घर में चौथी मंजिल का जो घर था मेरा, पूरा एक तरफ था चेहरा ही मेरा इतना काला हो गया था, क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे मैं शीशा बहुत ज़्यादा कम देखती, इतना भी ज़्यादा जब मैं अपने आपको देखती हूँ ना, मैं व्लॉग में कैमरे के सामने में खड़ी होती हूँ ना जब देखती हूँ अपने आपको, वरना मैं शीशा बहुत ज़्यादा कम देखती हूँ। मैं कहते शीशा कम देखने से ना चेहरे का नूर उड़ जाता है, नूर कम हो जाता है इस मारे। ये देखो अब ये देखो कितना सख्त हो गया ये, अब लगाएंगे और इस टाइम पसीने भी आ रहा है मुझे, चेहरा काफी ज्यादा, ये देखो हाथ साफ लग रहा है, चेहरा देखो कितना मेरा वैसा लग रहा है। और जब से हम वहाँ से आए थे ना घूम कर जो आए थे बहुत ज़्यादा काली हो गई थी, मैं तो सच बताऊँ मैं खुद कह रही मैं काली कैसे हो गई, क्योंकि गर्मी में रंग काला हो ही जाता है। और ये लाइबा देखो आई, देखने के क्या एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, जब मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती ना बहुत गौर से आके देखती है, मुझे बहुत गौर से। तुमने तो बनाया था दूसरा है। हाँ ये दूसरा बच्चे नहीं लगाते बेटे, बच्चे नहीं लगाते ये पूरी स्किन पे पूरा, ये तो मैं सिर्फ यही यही लगा के देख रही हूँ, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरे ही गले पे लगाना, बल्कि पीछे तक भी लगाना, ये जो पीछे की बुद्धि होती है ना बिल्कुल साफ हो जाएगी पूरा ही। इतना महंगा लाते हैं हम फेस पैक या कुछ भी बहरहाल, आप ये एक बार ट्राई करके देखना मेरे कहने से। मेरे पास तो सच बताऊँ इतनी सारी नॉलेज है कि, लेकिन मैं पता नहीं क्यों वही बस खाना बनाने में घर गृहस्थी में मैं वो हो जाती हूँ, वरना इतनी सारी टिप्स ट्रिक बहुत सारी के। और मैं चाहती हूँ सच बताऊँ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जितने भी मेरे ब्लॉग देखते हैं तो उनको पता चले, और ऐसा नहीं सारी चीज़ें पता होती हैं, जो आप लोगों को पता है वो आप मुझे बताएं मुझे समझाएं, ज़रूर मैं अपनी लाइफ में भी ऐड करूँगी ये चीज़ है ना। खुशबू अच्छी आ रही है ना, खुशबू वाकई अच्छी आ रही है, और ऐसा लग रहा है चेहरे पर चिल्ड जैसे मैं ना बर्फ़ किसी वो कर रही हूँ।
सिकाई पाउडर तो उठवा रही है और सच बताऊं मेरी स्किन ऐसी है कि अगर मैं नॉर्मली बेसन से भी खाली हल्का सा बेसन करके पहले करती थी, हल्का सा बेसन लेके थोड़ा सा चेहरे पे लगा लिया करती थी, थोड़ा सा शाइनिंग आते करती थी चेहरे पे, तो बहुत अच्छी वो है, बहुत अच्छी स्किन है मेरी। जरा सा भी कुछ भी करती हूँ फौरन ही रिजल्ट दिखता है मुझे। और ये जो तिल होते हैं ना नाक पे, ये भी कम होगा। और इसको लगा रहने देंगे हम कम से कम 20 मिनट के लिए। 20 मिनट तो घंटा ऐसा लग रहा है, ठंडक चेहरा ठंडा हो रहा है मेरा। अल्लाह मुझे आप लोग देख रहा और नहीं देखो दिखाने के चक्कर में मैंने अपने चेहरे पे क्या क्या करके मैं दिखा रही हूँ। छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल। और बल्कि मैं तो एडवाइस ये दूंगी, अगर जिस लड़की की शादी होने वाली हो, शादी से एक महीने पहले डेली ये आप कर लो, लगा लो, चेहरा ऐसा हो जाएगा जैसे रशियन वालों की स्किन होती है ना, एकदम चिकनी और एकदम शाइनिंग सी, एक अलग ही होती है उन लोगों की, वैसी हो जाएगी। नाक पे जो तिल होते हैं ना, ये भी हट जाएंगे। और बाहर बैठ खड़े होकर मैं तेल क्या करती हूँ, 20 मिनट के लिए मैं आ गई अंदर थोड़ा, ताकि थोड़ी हवा से भी जल्दी सूख जाए। और इसको जो हटाने का तरीका है ना, इसको मैं पानी से नहीं करूँगी, इसको जितना हो सकेगा इसे रगड़ रगड़ के तो हटाऊँगी। जब पानी से ना हटा के इसको ऐसे ही देता, जैसे बत्ती बत्ती से निकल रही है ना, ये ऐसे निकलेगी गोल गोल। देखो लग रहा है हल्का हल्का सा चेहरा साफ लग रहा है, क्योंकि चेहरे पे अगर जो भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का धुआं होगा वो भी इससे निकल जाएगा। इससे 2-in-1 काम होंगे, कई सारे काम हो जाएंगे इससे। ये दोनों हाथ से करना पड़ेगा, तो मैं अंदर जाना पड़ेगा बाथरूम में, तब मैं दिखाती हूँ। गाइस ये देखो, देखो लग रहा है साफ, यहाँ से कितना क्लियर लग रहा है। ये देखो यहाँ पर अच्छा खासा ज्यादा दाग सा था मेरा, लेकिन हल्का लग रहा है। ये देखो गाल पे से फर्क लग रहा है। अगर हफ्ते में हम 2 बार करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा हमारा, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, हम कोई भी चुट्टी बुट्टी या कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम करते रहते हैं ना तो और ज़्यादा रिजल्ट जो है अच्छा आएगा। और ये देखो कितने ज़्यादा मेरे यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर मैंने लगाया नहीं था बहरहाल, अब के नेक्स्ट टाइम लगाऊंगी जब लगाऊंगी यहाँ पर। तो मेरी टिप्स एंड ट्रिक कैसी लगी आप लोगों को, और आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर बताना कि हमने ट्राई करा या नहीं करा। अगर आपके पास भी कोई ऐसा फार्मूला हो किसी भी चीज़ को लेकर या घर को लेकर, तो एडवाइस ज़रूर दीजिएगा मुझे, मैं इंशाल्लाह फॉलो करूँगी। एडवाइस अच्छी होगी तो फॉलो करूँगी। और ये रही लाइवर, लाइवर ज़रूर देखती हूँ मुझे, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। एकदम फ़ौरन पहुँचती किचन में, फ़ौरन किचन में जाके मैं खड़ी होंगी, फोरन से भी पहले बिल्कुल पीछे पीछे मेरा आग खड़ी हो जाती है लाइबा है। और आज लाइबा स्कूल गई थी तो गिर गई, ज्यादा लग गई क्या तुम्हारी है, डॉक्टर के इंजेक्शन लगवा दूं तो है, लगवा करा उसको तो कहाँ पर हो रहा है। अरे तो हल्का सा ही सला दूंगा, अरे तो हल्का हल्का सला दूंगा। आज का व्लॉग हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, बहुत सारा ख्याल।